इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आ जाएगी अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू लाइन एंड रैट शेर और चूहा लाइन का मतलब है शेर एंड और रेड चूहा वन डे वन डे एक दिन अ स्मॉल माउस आ स्मॉल माउस एक छोटा सा चूहा क्रिप्ट अप टू क्रिप्ट अप टू चढ़ गया क्रिप्ट क्रीप का सेकेंड फॉर्म है क्रीप का मतलब होता है रेंगते हुए चढ़ना और क्रिप्ट है तो चढ़ गया अ स्लीपिंग लॉयन अ स्लीपिंग लॉयन एक सोते हुए शेर पर स्लीपिंग का मतलब है सोते हुए लायन शेर इट एडमायर्ड इट एडमायर्ड उसने तारीफ की एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना एडमायर्ड है तो तारीफ की द लायंस ईयर्स द लायंस ईयर्स शेर के कानों की हिज लॉन्ग विस्कर्स हिज लॉन्ग विस्कर्स उसकी लंबी मूछों की एंड हिज ग्रेट मेन एंड इज ग्रेट मेन और उसकी लंबे गर्दन के बालों को मेन का मतलब होता है शेर की गर्दन पर लंबे बाल सिंस ही इज स्लीपिंग सिंस क्योंकि ही इज स्लीपिंग वह सो रहा है थॉट द लिटिल माउस Thought the little mouse. छोटे चूहे ने सोचा छोटे चूहे ने सोचा कि वो सो रहा है He'll never suspect. He'll never suspect. वो कभी भी शक नहीं करेगा आई एम हियर आई एम ियर मैं यहां हूं ध्यान दीजिएगा ये ही विल का शॉर्ट फॉर्म है हील और यह आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आईम विथ दैट विथ दैट इसी के साथ इट क्लाइम्ड अप इट क्लाइम्ड अप वह चढ़ गया ऑन टू द लाइन स्टेल ऑन टू lion's टेल शेर की पूंछ पर इसी के साथ वो शेर की पूंछ पर चढ़ गया रैन एक्रॉस हिज बैक रैन एक्रॉस हिज बैक उसके पूरे पीठ पर दौड़ा एक्रॉस का मतलब है पूरे हिज बैक उसकी पीठ पर रैन दौड़ा स्लिड डाउन स्लिड डाउन सरका हिज लेग हिज लेग उसके पाव से एंड जम्प ऑफ एंड जंप्ड ऑफ और कूदा हिज पौ हिज पौ उसके पंजों पर पौ का मतलब है पंजा बट लेकिन अमाउस माउस किसी चूहे का रनिंग दौड़ना ओवर हिज फेस ओवर हिज फेस उसके चेहरे पर अवेकेंट द लाइन अवेकेंड द लाइन शेर को जगा दिया अवेक का मतलब होता है जगाना या जगना अवेकेंड है तो जगा दिया ही क्विकली कॉट ही क्विकली कॉट उसने जल्दी से पकड़ लिया द माउस द माउस उस चूहे को इन हिज क्लॉज इन हिज क्लॉज अपने पंजों में ध्यान दीजिएगा पिछली पेज में आपने पढ़ा पौ पौ का भी मतलब होता है पंजा जो पैर का पंजा होता है उसे पौ कहते हैं और जिस पंजे से पकड़ते हैं उसे क्लॉ कहते हैं प्लीज प्लीज कृपया रिक्वेस्टेड द माउस रिक्वेस्टेड आग्रह किया द माउस उस चूहे ने उस चूहे ने आग्रह किया कृपया लेट मी गो लेट मी गो मुझे जाने दो एंड और आई कम बैक आई कम बैक मैं वापस आऊंगा एंड और हेल्प यू हेल्प यू और तुम्हारी मदद करूंगा सम डे सम डे किसी दिन द लाइन लाफ्ट द लाइन लाफ शेर हसा यू आर सो स्मॉल यू आर सो स्मॉल तुम बहुत छोटे हो या फिर तुम इतने छोटे हो हाउ कुड यू यूवर हेल्प मे हाउ कैसे कुड यू एवर हेल्प मी कभी मेरी मदद कर सकते हो तुम इतने छोटे हो कैसे कभी तुम मेरी मदद कर सकोगे हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं द लाइन लाफ्ट द लायन लाफ्ट शेर हंसा। सो हार्ड दैट सो हार्ड दैट इतनी जोर से कि

टू फ्री आजाद कर सका हर सेल्फ हर सेल्फ खुद को चाहे यहां पर आप हिम सेल्फ कर लें चाहे हर सेल्फ दोनों का मतलब एक ही होगा फ्रॉम द लायंस ग्रिप फ्रॉम द लायंस ग्रिप शेर की पकड़ से ग्रिप का मतलब है पकड़ लायंस शेर की फ्रॉम से एंड और इट स्क्रीड स्करीड और वो तेजी से भागा चूहे या फिर गिलहरी के भागने को स्क्रीड कहते हैं अवे स्क्रीड अवे साथ में है एज फार एज हर लिटिल लेग्स एज फार एज जितनी दूर हर लिटिल लेग्स उसके छोटे पांव कुड गो गो go. जा सकते थे वो इतनी दूर भागा जितनी दूर उसके छोटे पांव उसे ले जा सकते थे द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे अगले दिन टू हंटर्स टू हंटर्स दो शिकारी हंटर्स का मतलब है शिकारी केम टू द जंगल गेम टू दंगल जंगल आए दे went दे गए टू द लायंस लेर टू द लायंस लेयर शेर के रहने की जगह पर लेयर का मतलब होता है गुफा जहां शेर रहता है एंड और देयर वहां पर दे सेट दे सेट उन्होंने सेट किया अ ह्यूज रोप अ ह्यूज रोप स्नेयर एक रस्सी का बड़ा फंदा ह्यूज का मतलब है बड़ा रोप रस्सी का स्नेयर फंदा या फिर जाल वेन द लायन वेन द लाइन जब शेर केम आया होम घर दैट नाइट दैट नाइट उस रात जब उस रात शेर घर आया ही स्टेप्ड इंटू ही स्टेप्ड इंटू उसने कदम रख दिया द ट्रैप फंदे में स्टेप का मतलब होता है कदम रखना या फिर कदम से चलना इन टू द ट्रैप है तो उसने फंदे में कदम या पाँव रख दिया ही रोड ही रोड वह दहाड़ा ही वेप्ट ही वेप्ट वह रोया ही स्ट्रगल्ड ही स्ट्रगल्ड उसने संघर्ष किया बट लेकिन ही कुड नॉट पुल कुड नॉट ऐसे तो इसे कुडंट पढ़ते हैं लेकिन यहां पर मैंने कुड नॉट लिख दिया पुल वह खींच नहीं सका हिम सेल्फ हिम सेल्फ खुद को फ्री आजाद वह खुद को खींच कर आजाद नहीं कर सका हम ऐसा कह सकते हैं द माउस हर्ड द माउस हर्ड चूहे ने सुना द लायंस पिटीफुल रोर द लायंस पिटीफुल रोर शेर की बेबस भरी दहाड़ पिटीफुल का मतलब है बेबस भरी रोर दहाड़ एंड और केम बैक केम बैक वापस आया टू हेल्प टू हेल्प मदद करने के लिए हिम उसकी उसकी मदद करने के लिए वह वापस आया द माउस आइड द माउस चूहे ने आइड देखा द ट्रैप द ट्रैप फंदे को एंड नोटिस्ड एंड नोटिस्ड और ध्यान दिया द वन थ रोप द व वन थ रोप उस मोटी रस्सी पर दैट हेल्ड द लाइन दैट हेल्ड द लाइन जिसने शेर को पकड़ रखा था इट नॉल्ड इट नॉल्ड उसने कुतर दिए द रोप द रूप रस्सी को विथ इट्स शार्प टीथ विथ इट्स शार्प टीथ अपनी तेज दांतों से शार्प का मतलब है तेज टीथ दांत एंड और सेट द लाइन फ्री सेट द लायन फ्री और शेर को आजाद कर दिया लायन टर्नड द लायन वोशेर टर्नड मुड़ा टू द माउस टू द माउस उस चूहे की तरफ एंड सेट एंड सेट और कहा डियर फ्रेंड डियर फ्रेंड प्रिय दोस्त आई वॉज फुलिश आई वॉज फुलिश मैं बेवकूफ था टू रिडिक्यूल यू टू रिडिक्यूल यू तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाने में रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना फॉर बींग स्मॉल फॉर बीइंग स्मॉल छोटे होने की वजह से या फिर छोटे होने पर यू हेल्पड मी यू हेल्पड मी तुमने मेरी मदद की बाई सेविंग बाई सेविंग बचा करके माई लाइफ माई लाइफ मेरी जिंदगी आफ्टर ऑल आफ्टर आखिरकार आखिरकार तुमने मेरी मदद की मेरी जिंदगी बचाकर थैंक यू थैंक यू शुक्रिया माय लिटिल फ्रेंड माय लिटिल फ्रेंड मेरे छोटे दोस्त मेरे छोटे दोस्त तुम्हारा शुक्रिया उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में